नुब्रा वैली का प्रॉपर एक्चुअली वैली जिसे कहते हैं वो है, और बहुत ही सारे लोग आए हुए हैं, पूरा टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं हर जगह लोग ही लोग हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं पार्किंग के ऊपर, और पूरा ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और बीच में एक इतना खुला मैदान है। लोग यहाँ पे कैमल राइड करते हैं, और यहाँ की जो कैमल राइड है वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ के जो कैमल है, एक तो उनकी हाइट थोड़ी कम होती है और वो डबल हम कैमल है, तो ये थोड़ी यूनिक अट्रैक्शन है यहाँ की। और यहाँ पे लेक बह रही है, और इस टाइम जैसे दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर अब जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइवली लग रहा है। मतलब लद्दाख के अंदर इतना प्लेन एरिया मिलना बहुत मुश्किल है, तो बहुत ही सुंदर वैली है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो लोगों की अट्रैक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे आर्चरी हो रही है, तो कुछ लोग जो हैं अपना निशाना ट्राई कर रहे हैं और आर्चरी को इंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो वैली है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ये कुछ पेड़ भी बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा चहल पहल है। लग नहीं रहा था कि लद्दाख में इतने सारे लोग आए हुए हैं, पर यहाँ पे आके पता चला कि लद्दाख कितना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हमने जो है सैंड ड्यून्स बने हुए हैं, क्योंकि ये जगह इनकी सैंड ड्यून्स के लिए भी फेमस है। तो छोटे छोटे सैंड ड्यून्स का मतलब है कि सैंड के पहाड़ बने हुए हैं, तो ये जगह जो है सैंड ड्यून्स के लिए भी फेमस है। एक तरफ शैडो पटरी और एक तरफ जो है पहाड़ एकदम चमक रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा नज़ारा है, वो दूर जो है कैमल राइड के लिए भीड़ लगी है जो 7 बजे बंद हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कैमल राइड करना चाहते हैं। ये हैं कैमल्स, डबल हम कैमल, जो लाइन में लोग लगते हुए आ रहे हैं और राइड को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये रहे कैमल्स, पूरे लद्दाखी कैमल, बिल्कुल डिफरेंट लुक है इनकी, पूरी रौनक लगी हुई है। ज़्यादा सुंदर लग रहा है।